स्वास्थ्य और सौंदर्य के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेथी के पानी से बने हेयर मास्क के बारे में। बालों की ग्रोथ के लिए मेथी का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है। मेथी के पानी में पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ से मजबूत बनाकर उनकी ग्रोथ को तेज कर देते हैं। बालों में मेथी के पानी का इस्तेमाल करने से प्राकृतिक चमक आ जाती है। आज हम इस वीडियो में मेथी के पानी से बने हेयर मास्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके नियमित इस्तेमाल से आप अपने बालों की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। तो फिर इस हेयर मास्क को कैसे तैयार करना है, इसके बारे में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। इस हेयर रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 चम्मच मेथी का पानी, 5 से 6 चम्मच अनियन जूस, 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 विटामिन ए की कैप्सूल। मेथी का पानी बनाने के लिए एक बॉल में 5 से 6 चम्मच मेथी दाना ले लें। इसके बाद इसमें 1 ग्लास पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पानी को ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। अगले सुबह इस पानी को छन्नी की सहायता से छान लें। अब इसमें 5 से 6 चम्मच अनियन जूस, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब हेयर डाई ब्रश की मदद से इसे पूरे बालों में लगा लें। 1 से 2 घंटा इसे अपने बालों में लगा रहने दें। फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। वीक में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को करने से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मेथी के पानी से बने हेयर मास्क का प्रयोग करने से आपके हेयर फॉल में तो कमी आएगी ही, साथ ही बालों की ग्रोथ में भी काफी इजाफा होगा। अगर आप लंबे, घने, मजबूत व चमकदार बाल चाहती हैं, तो इस हेयर मास्क का नियमित इस्तेमाल करें। तो फिर आज आपने इस वीडियो में मेथी के पानी से हेयर मास्क को कैसे बनाना है, इसके बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।